ये गाइस व्हाट्सएप, तो आज के दिन बात करने वाले हैं रॉयल इनफील्ड हंटर 350 के बारे में। और हंटर 350 का टॉप मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूँ। डिटेल में बात करेंगे इस बाइक के बारे में, क्या कुछ फीचर्स आते हैं, क्या प्राइस है, क्यों आपको लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए, किस्तों के बारे में भी आपको बताऊंगा मैं अच्छे से। तो देख लो, बाइक काफ़ी शानदार है और सबसे फेवरेट कलर है भाई मेरा ये हंटर 350 के अंदर। और सबसे ज़्यादा बिकता भी यही है, रेबल सीरीज जो टॉप मॉडल है, और उसमें ब्लैक कलर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें तीन कलर आते हैं, ब्लैक, ब्लू एंड रेड। और बाइक काफ़ी शानदार है, नो डाउट। हंटर 350 जिनकी हाइट थोड़ी कम है उनके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन जो है रॉयल इनफील्ड ने क्रिएट किया है। प्राइस जो इस बाइक का 2,04,000 रुपये चल रहा है फिलहाल दिल्ली में ऑन रोड। 2,04,000 रुपीज़ ऑन रोड प्राइस है इस बाइक का, टॉप मॉडल का। और रियर से कुछ ऐसी लुक आती है बाइक की, सिंगल सीट काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन के साथ आपको देखने को मिलती है। और ऐसा कुछ इसके अंदर सेमी डिजिटल मीटर कंसोल आता है जिसमें आपको फ्यूल मीटर, टाइम, ट्रिप मीटर और सारी जरूरत की चीज़ें जो हैं देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर कंट्रोल्स वगैरह आप देख ही रहे हो हैंडल के ऊपर बाइक के। और इस तरफ रॉयल इनफील्ड लिखा गया है, येलो का टच दिया गया है ब्लैक के अंदर, काफ़ी कूल लगता है। और 350cc का इसके अंदर आपको रॉयल इनफील्ड का बिल्कुल लेटेस्ट जे सीरीज इंजन देखने को मिलता है बाइक के अंदर, जो कि काफ़ी बढ़िया इंजन है, काफ़ी रिफाइंड इंजन है, जो कि आपको 20.2 bhp की पावर निकाल के देता है 27 Nm के टॉर्क के साथ। और LED टेल लैंप इस बाइक के अंदर आपको देखने को मिलता है, हेलोजन में इंडिकेटर रखाते हैं, हेलोजन में इसकी जो है हेडलाइट आती है। और एग्जॉस्ट का डिज़ाइन भी काफ़ी बढ़िया है बाइक का, टैंक भी काफ़ी बढ़िया लगता है। 150 की आपको बैजिंग मिलती है साइड पैनल के ऊपर येलो टच में, जो काफ़ी बढ़िया लगती है। रियर टायर काफ़ी वाइड है भाई, 140 सेक्शन का आपको रियर टायर मिलता है। और बाइक का माइलेज भी काफ़ी बढ़िया है, लाइट वेट बाइक है, रॉयल इनफील्ड की सबसे हल्की बाइक यही है। 35 से 40 का माइलेज आराम से आपको जो है बाइक निकाल के दे देगी। और 120 तक की आपको जो है मैक्सिमम टॉप स्पीड मिलती है इस बाइक के अंदर। मीटर कंसोल में आपको दिखा चुका हूँ, काफ़ी कूल लगता है जैसे कि सुई ऊपर जाती है तो। और इस बाइक के अंदर आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी देखने को मिलता है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। 5 गियर इस बाइक के अंदर आते हैं जिसमें 1 डाउन और 4 अप वाला ही सिस्टम है। और फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी इस बाइक के अंदर रॉयल इनफील्ड यूज़ करता है। 13 लीटर का आपको बड़ा टैंक मिलता है इस बाइक के अंदर, 2.6 लीटर की रिजर्व कैपेसिटी के साथ। BS6 कंप्लाइंट ये बाइक है। और ड्यूल चैनल ABS आपको देखने को मिलता है इस बाइक के अंदर। फ्रंट में 300mm की डिस्क ब्रेक आती है, रियर में 270mm की। और अलॉय व्हील्स कंपनी फिटेड ही इस बाइक के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। रियर ग्रैब हैंडल्स जो हैं ये भी काफ़ी कूल लगते हैं। और लेडीज फुटरेस्ट इस बाइक के अंदर नहीं आता, जो मुझे थोड़ा सा ड्रॉबैक लगता है। अगर आप देखें पीछे की तरफ, साड़ी गार्ड के साथ आपको कोई लेडीज फुटरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। बाकी अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है। फ्रंट सस्पेंशन इसमें टेलीस्कोपिक आते हैं 40mm फ्रॉक्स 130mm ट्रैवल के साथ, जिनको काफ़ी बढ़िया से कवर किया गया है। और ऑल ब्लैक थीम दी गई है, मैट ब्लैक में इसका इंजन आता है। रियर सस्पेंशन जो है ट्विन ट्यूब एमिशन शॉक्स अब्जॉर्बर्स विद 6 स्टेप एडजस्टेबल प्रोलोडेड के साथ आपको देखने को मिलते हैं। 181 kg बाइक का वेट है। और 800mm की जो है आपको सीट हाइट मिलती है इस बाइक के अंदर। ऐसे कुछ लाइट के कंट्रोल्स, और यहाँ पे आपको इंजन किल स्विच मिलता है, हजार्ड लाइट का बटन मिलता है, USB चार्जिंग भी आपको देखने को मिलती है। 150mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, 2,055mm की जो है आपको लंबाई मिलती है, 800mm की जो है आपको चौड़ाई मिलती है, 1,055mm की हाइट मिलती है, 1,317mm का जो है व्हील बेस मिलता है। डबल डाउन ट्यूब फ्रेम इसके अंदर आपको चेसिस मिलती है, जिसकी वजह से बाइक के अंदर वाइब्रेशंस काफ़ी कम है। 3 साल या 30,000 किलोमीटर की इसके ऊपर आपको वारंटी मिलती है, जिसको आप एक्सटेंड भी करा सकते हो। तो काफ़ी बढ़िया बाइक है, एक वैल्यू फॉर मनी बाइक मुझे लगती है ये, क्योंकि इसके अंदर आपको लेटेस्ट जे सीरीज इंजन मिलता है। और हाईवे राइड्स के लिए मैं ये बाइक आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, अगर आपका सिटी रन ज़्यादा है तो ये बाइक आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। किस्तों की अगर बात करें तो 20,000 रुपये की डाउन पेमेंट देकर आप आसानी से इसको किस्तों पे ले सकते हो। 20,000 की डाउन पेमेंट देकर अगर आप 1 साल की किस्तें बनवाते हो तो 16,800 रुपये की आपकी जो है 12 किस्तें बनेंगी। 2 साल की अगर आप किस्तें बनवाते हो सेम डाउन पेमेंट के साथ तो 9,100 रुपये की आपकी जो है 24 किस्तें बनेंगी। और 3 साल की अगर आप बनवाते हो तो 6,500 रुपये की आपकी 3 साल की बनेंगी। और 4 साल की अगर आप बनवाते हो सेम डाउन पेमेंट के साथ तो 5,200 रुपये के आसपास आपकी 4 साल की बनेंगी। और 5 साल की अगर आप बनवाते हो तो 4,500 रुपये के आसपास आपकी 60 किस्तें बनेंगी 5 साल के लिए, ठीक है ना। तो एक काफ़ी बढ़िया पैकेज आपको मिलता है इस प्राइस रेंज के अंदर। सारी चीज़ें मैंने बाइक के बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दी हैं हंटर 350 की। फिर भी कुछ रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।